तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस रात के ना अभी बज रहे 8:33, 8:30 बज रहे अभी रात के टाइम पे वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आज कुछ मूड नहीं था और काम में दिल नहीं कर रहा काम करने को, एक तो अपने गाड़ी के रिलेटेड और दूसरा रहा यूट्यूब चैनल के बारे में। काफ़ी थोड़ा मतलब बोलते ना डीमोटिवेट हो चुका, तो मैंने बोला चलो इसके बारे में वीडियो बनाते ताकि जो भी मतलब अभी देखो काफ़ी लोग अभी यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग ओला बेर में भी काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का मुझे ये भी सवाल है, हर बार ये सवाल है कि सचिन पार्टी का गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे और क्यों मतलब मूड इतना अपसेट है, काम करने को भी दिल नहीं कर रहा। जैसे कि आप लोगों को पता है बिजनेस इतना डाउन है कि मतलब बोलते ना हर एक जो इंसान होता है, हर एक पर्सन होता है, हर एक आदमी होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग वही तैयारी करके निकलते कि आज अगर इतना हो जाएगा तो आगे मतलब हम लोग हर एक चीज़ प्लान करके रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गया और तुम्हें बोला चलो और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कुछ बातें, कुछ यादें और जो अपना एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 सालों का वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो थोड़ा मोटिवेशन भी होगा, डीमोटिवेशन भी होगा, तो प्लीज़ आप लोग समझो कि मेरे बोलने का तरीका मतलब मेरे बोलने का मकसद क्या है। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो क्योंकि काफ़ी भाई लोग हैं जो काफ़ी भाई है जो इस फील्ड में आ चुके, तो उनके लिए एक वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या रीज़न है मैं वीडियो अभी डेली अपलोड नहीं करता वो भी आपको आज की वीडियो में बात करना। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि भाई चैनल पूरी तरीके से अभी डेड हो चुका है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर, करते हैं आज के वीडियो को कंटिन्यू। तो गाइस बात करेंगे हमारे यूट्यूब जर्नी की। मैंने लगभग 2020 में अक्टूबर में लगभग 12-13 तारीख को मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था ओला बेर रिलेटेड, और उसके बाद मतलब 2020 से लेकर आज 21-22-23 लगभग मुझे लगता है 3 साल अप्रॉक्स हो गए। अक्टूबर में मुझे लगता है 3 साल कम्प्लीट हो जाएंगे और हम लोग पिछले 3 सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ओला उबर में भी काम कर रहे हैं, ओला उबर में बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 3 सालों का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जैसे कि पहले आप लोगों को पता है कि काफ़ी लोग मतलब पहले तो यूट्यूब पे इतने लोग थे नहीं, मतलब काफ़ी कम लोग थे और काफ़ी मतलब जो भी मतलब मैंने भी जब चैनल चालू किया था तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, कितने पैसे मिलते मुझे कुछ नहीं पता था, उसका मुझे एक्सपीरियंस था नहीं। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते गया तो पता मतलब बोलते हैं जब हम जो चीज़ में हम लोग अगर एंटर करते तो उसके बाद में पता चलते काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती। तो बाद में पता चलने के बाद पता चला कि चैनल मोनेटाइज होता है, चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद में पैसे आने लगे। तो अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ना ये है कि मतलब सचिन भाई काफ़ी पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो अभी ये तो चैनल के मतलब बोलते हैं यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं तो आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल डेड हो चुका है, मतलब चैनल पे स्ट्राइक आ गया और उसी के कारण मैं कहीं से मतलब पिछले कई दिनों से डिमोटिवेट हूँ। तो अभी 1-2 दिन से जैसे कि जो हमारे जिनको यूट्यूब के बारे में जानकारी है, जिनको यूट्यूब के बारे में एक्सपीरियंस है, तो उनको मैंने चीज़ें पूछी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज़ें शायद सही होगी और ना भी होगी। मतलब देखो कोई प्रॉपर इतना डॉक्टर नहीं जो यूट्यूब के बारे में जान सके, बट बोलते ना जिनको एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से काम करते हैं, जब मुझे कोई पूछता है तो मैं भी बताता हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस वही मैं बताता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगी 14,000 मतलब 14,000 सब्सक्राइबर मेरे आज की तक में मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब बात करूँगा कि अगर इतना समय अगर मैं किसी और चैनल को देता या मेरा और कोई कंटेंट होता ना, तो अगर 100% मेरे जो अब 14,000 सब्सक्राइबर्स है ना वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 लाख क्रॉस कर देते थे, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो सिर्फ ओला और उबेर रिलेटेड है। ठीक है, मतलब देखो मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने बस अपना एक माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और उस समय पे जब मैंने ओला उबेर का जो ब्लॉग बनाना चालू किया तो मैं जब उस समय पे डिस्टर्ब था और मैं बोला चलो कुछ नया करते ताकि और भी लोगों को फायदा हो। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस समय पर वो कर सकता था, बट कहीं पता नहीं था तो मैंने ओला उबेर रिलेटेड वीडियो डालना चालू किया और ओला उबेर रिलेटेड अपने जो भाई है जिनको मतलब जो घर पर बैठे थे तो उनके लिए मैंने मोटिवेशन दिया और काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा अर्न भी कर रहे, अच्छा खासा काम भी कर रहे। ठीक है, तो पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 3 सालों से ऑन एन एवरेज मतलब 14,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए और आप लोगों ने कई सारे ऐसे जो चैनल्स देखे, कई सारे ऐसे जो वीडियोस देखे कि ये जो कैटेगरी है जिस कैटेगरी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब अभी तक मेरा बड़े बड़े यूट्यूबर से बात होता है तो ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी में ग्रोथ कहीं नहीं है। ठीक है, देखो हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस काम में हमें ग्रोथ मिले, उस काम में हमको सफलता मिले, उस काम को करने में मज़ा। पिछले 3 सालों से लगातार दिन रात एक करके मैंने काफ़ी मेहनत किया यूट्यूब चैनल पे भी और अपने इस ओला उबेर पे भी। ठीक, ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे खाना पीना, कुछ नहीं था, मतलब इतना दिन रात। देखो
मेहनत कर रहा था, मेहनत करते करते इधर तक पहुंचा, बट कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम मतलब मेरे जो पीठ पीछे थे, मतलब जिन्होंने अलग कंटेंट चालू किया, आज उनके एक एक दो दो लाख सब्सक्राइबर, अच्छे खासे उनके चैनल पे काम हो रहा है। क्योंकि मैंने उस समय पे बताया था कि भाई अगर आप लोग के पास टाइम है तो काम कीजिए, ओला वेर यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे काम कीजिए। और मैं अभी भी बोलता हूँ अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपका आपके पास कोई टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो, यूट्यूब पे काम कर सकते हो। तो जैसे जैसे काम करते गए तो लगभग 3 सालों में 14,000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो गए। और बीच में जो मैं कंटिन्यू ओलावे रिलेटेड जो वीडियो डाल रहा था, अर्निंग रिलेटेड या जो भी, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। हम किसी का बैंक अकाउंट या किसी के अर्निंग हम लोग शो नहीं कर सकते। तो मुझे लास्ट टाइम पे जो मेरे चैनल पे, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो मेरे चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक आ गया। तो एक अभी अगर उसके बाद में और दो आए तो चैनल ही पूरा यूट्यूब उड़ा देगा। और अभी पिछले कई दिनों से मतलब अभी तो कितने इसमें अभी यूट्यूबर का देख रहा हूँ पिछले एक वन वीक से, कि यूट्यूब जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाता ना तो यूट्यूब उन चीजों को देखता है और डायरेक्टली चैनल डिलीट, मतलब कितने लोगों का देखा मैं, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे हमारा चैनल बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तो काफी सारे जो ऐसे वीडियोज है जहां पे मैंने अर्निंग रिलेटेड ही वीडियो बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत करते जाएंगे और पता चला गया कि चैनल जब बड़ा होने के बाद कहीं ना कहीं चैनल को यूट्यूब डिलीट कर देगा। और एक बार यूट्यूब से डिलीट हो जाता है फिर आप लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबरों का मैं देखा हूँ तो चैनल डिलीट कर देते। तो पिछले कई दिनों से जैसे स्ट्राइक आ गया ना, तो स्ट्राइक गिरने का पता नहीं, मतलब चैनल पे एकदम एक्टिविटीज कम हो गई, चैनल पे व्यूज और जो मेन जो होता है जो चैनल का इम्प्रेशन ना यूट्यूब ने काफी कम कर दिया। मतलब पहले अगर मेरे हर एक, अभी आप देखते हो कि पिछले कई सारे वीडियो पे 3-4 हज़ार भी हो, बट मेरा जो इम्प्रेशन जो उसके पहले था ना, इससे भी ज्यादा इम्प्रेशन था, 1-1 लाख लोगों तक मेरे जो वीडियो रिकमेंड यूट्यूब ने किए, ठीक है। तो उस समय पे अच्छा था, पता नहीं जब स्ट्राइक लगने के बाद लगभग तो एकदम डाउन हो गया, एकदम जो रीच है एकदम इम्प्रेशन है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम लोग ने इतना काम दिया, क्योंकि आज की तारीख में अगर एक वीडियो को बना के उसको शूट करके उसको एडिट करके काफी समय लगता है। लोगों को लगता है कि यूट्यूब से पैसा आता है बट उसके पीछे कहीं ना कहीं काफी मेहनत होती है। और आज हमारे जो ऐसे जो भाई, कितने सारे जो ऐसे भाई है जो अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट पे मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कहीं ना कहीं ग्रोथ है करके, ठीक है। तो भी हम लोग करेंगे। मैं अभी देखो चैनल कब तक चलेगा पता नहीं, और मतलब जैसे ही पता चलता है कि यार जब स्ट्राइक आता है ना तो फिर चैनल कहीं ना कहीं यूट्यूब ना फिर आगे वीडियो को रिकमेंड करना छोड़ देते हैं, मतलब इतना ज्यादा इंप्रेशन लोगों के पास भेजता नहीं, ठीक है। कई मतलब काफी लोगों को तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, काफी लोगों को इंप्रेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। तो वो चीजें चालू है पिछले 5-6 महीने, आप लोगों ने देखा कि मैं ज्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करता हूं, तो डिमोटिवेट, मतलब आज वीडियो अपलोड किया, आज भी हुआ, उसके बाद फिर चैनल आगे कोई वीडियो, क्योंकि लगभग 500 वीडियो मेरे ख्याल से 450 वीडियो मेरे चैनल पे आज की तारीख में। आप लोगों को बता दूं कितने सारे जो ऐसे यूट्यूबर्स मैंने जिनका देखा है जो पिछले 1 साल में, मतलब समझो जिनके चैनल पे अगर 200-250 भी वीडियोज है ना तो उनके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स लगभग 1-1.5 लाख। देखो हर एक इंसान कोई ना कोई काम करता तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि हम इस चीज में ग्रोथ करें। हर एक इंसान यही चाहता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को मुझे सफलता मिल जाए। तो ऐसा कुछ YouTube की तरफ से तो आया नहीं, कंटिन्यू मेहनत करते गया, तो कहीं ना कहीं दिन ब दिन डिमोटिवेट होते गए, ठीक है। बात रही दूसरे अर्टिका के बारे में, गाइस अर्टिका ना काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं आज भी, जैसे कि मैंने अभी पिछले लास्ट वीडियो में बताया था अगर किसी को भी गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी ऐसे कितने लोगों को, तो अभी लगभग मैंने तीन गाड़ी हम लोग ने अभी ड्राइवर को दे दी और एक दो गाड़ी आ जाएगी। तो उसमें सारे गाड़ियां ना गाइस वैगन और सेडान है, ठीक है। अभी इसमें काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया सचिन भाई अर्टिका गाड़ी है, तो अर्टिका गाड़ी भाई मिलती है नहीं, काफी दिक्कत है। और मैं तो हाथ के बोलूंगा कि भाई अर्टिका गाड़ी अगर आपके पास कांटेक्ट होगा तो लेना, नहीं तो मत लेना, जैसे कि पर्सनल कांटेक्ट बिजनेस का। आज गाइस मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूं, मतलब इतना हालत तो वेगनार में भी नहीं था, दो दो दिन तो गाइस एक एक रुपया, मतलब एक भी रुपया कमाएंगे, ठीक है। अगर मतलब अगर चालू करेंगे ओला उबर भी और पर्सनल में भी तो मिनी और सेडान का बुकिंग आता है, वो दिल नहीं करता कि इस पे बड़ी गाड़ी में सेडान और मिनी का बुकिंग मारे, ठीक है। और बड़ी गाड़ी का मैंने लिटरली बुकिंग लिया हूं पर्सनल, बट 2-3 बार तो गए एयरपोर्ट से मैं बुक, मतलब एमटी घर पे चला हूं, ठीक है। तो आप समझ लो अगर इधर से अगर मैं 1500 रुपये कमाता हूं तो वहां से वापस एमटी, मतलब समझ लो टोल का पैसा और आने जाने का सीजी का पैसा, तो कितना हमें बचता है। तो उससे भी डिमोटिवेट हो गया, मतलब पता भी नहीं था। मैंने इसलिए अभी काफी लोग ना मुझे पूछते हैं कि सच में आपके आर्टिका का क्या हुआ, मैंने आपको हर एक बार बोला कि मैं पहले काम देखता हूँ किस तरीके से, आर्टिका तो आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी अगर 2-5 हज़ार मतलब बोलते ना थोड़ा ज्यादा दूंगा पैसा तो अभी भी आ जाएगी, लेकिन मार्केट में इस तरीके से डाउन, देखो हम कोई भी काम करते हैं ना तो ये चीज सोचते कि हम उस पे जितना पैसा लगाने के बाद उससे हमको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर एक पर्सन में सोचते हैं अगर मैं 20 लाख लगाऊंगा और मुझे महीने का अगर 60-70 हज़ार मिलेगा तो मैं
क्यों 20 लाख उसमें लगाऊ, मैं तो सीधा 10 लाख ही लगाऊंगा। 10 लाख में से मुझे अगर 60-70 जगह प्रॉफिट होगा तो मैं 10 लाख के पीछे भागूंगा, 20 लाख के पीछे नहीं भागूंगा। ठीक है, तो काफी लोग मुझे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि सचिन आपके आर्टिका क्या हुआ, आर्टिका क्यों नहीं आ रहे, तो कई सारे रीजन है। क्योंकि पिछले जो 2 महीने में मैंने जो बिजनेस देखा ना, लिटरली मतलब गए महीने से जो इसके पहले भी अप्रैल में इतना था, बट ठीक है कुछ ना कुछ आ जाता था, बट यहाँ पे लगातार अभी अगस्त का 2रा महीना भी खत्म हो रहा है, मतलब लगभग 4-5 दिन के बाद दो मतलब पूरा महीना खत्म हो जाएगा। तो समझ लो 2 महीने में कितने हालत डाउन हो गए जो बड़ी गाड़ी चलाते ना, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे। सुबह 6 बजे से मैं लॉग इन रहता हूँ और बुकिंग देखता हूँ कि कुछ मिल जाए तो लेके जाओ, और बुकिंग बसता है 6 बजे भी तो ही मिनी और सेडान का, और उसकी बुकिंग मैं नहीं लेता क्योंकि वो फ्री फंड वाला सेवा है और सेवा करने में मजा नहीं आता। ठीक है, मतलब उसमें भी पैसेंजर बैठेंगे ये करो वो करो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो उसी पैसे उतने पैसे में गाड़ी को खाली मेंटेनेंस निकाल के कोई चीज का मतलब नहीं, उससे घर पे तो इतना बेकार कंडीशन आज की तारीख में आर्टिका के, मतलब मैं तो खुद टेंशन में कि अगर मेरी गाड़ी आएगी तो समझ लो साल के 3-4 महीना इतना डाउन बिजनेस उसको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि भाई गाड़ी आती तो उसकी EMI, घर के खर्चे, बाकी के जो अदर एक्सपेंस है, तो कहीं ना कहीं एकदम बोलते ना सर पे वजन हो जाते हैं, सर पे बोलते ना कहीं ना कहीं बर्डन आ जाते हैं, तो चीजों को भी सीख करो। तो काफी सारे जैसे भाई से अभी जो आर्टिका लिया, अभी बार बार मुझे तो कितने भाइयों का मैसेज है कि सचिन भाई कुछ आर्टिका का बुकिंग होगा तो दो, तो मैंने तो हर वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपके पास आर्टिका लेने ले रहे हो तो आर्टिका लेने से पहले आप ओला उबर के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि मार्केट जब डाउन होता ना तो फिर सब याद चीज आते हैं कि यार मिनी का भाड़ा आ रहा है, सेडन का भाड़ा आ रहा है, आर्टिका का भाड़ा क्यों ना, क्योंकि आर्टिका में जो पैसेंजर बैठते हैं वो 5 से 6 लोग बैठते हैं और मंदी के माहौल में 6-6 लोग कहीं पे घूमने नहीं जाएंगे, जैसे कि फुल बारिश हो गया कंटिन्यू लगातार, तब कौन भाई घर से बाहर 6-6 लोग निकलना, और एक आदमी के लिए तो कोई आर्टिका बुक करेगा नहीं। तो काफी वीडियो में बताया, ठीक है, मुझे भी तो अभी 2 महीने में मतलब लास्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर से या सितंबर से मैंने भी आर्टिका चालू किया, बट तभी मुझे सीजन मिला था, और अप्रैल का एक महीना मुझे डाउन लगा था अप्रैल में, क्योंकि इस साल का जो अप्रैल था मैं हर बोलता हूँ कि अप्रैल और जून जगह में थोड़ा डाउन होता है, अप्रैल में मुझे बिजनेस डाउन किया आर्टिका का। बट जो ये जो पिछले 2 महीने से जो हालत खराब हो गया, काफी खराब हो गया, आर्टिकल तो लिटरली रो रहे, और ये जो इंटर जो वहाँ पे आया वो इंटर ने तो और भी बैंड बजा डाली, मतलब कई सारे जैसे भाई सोचो जिनके पास अर्टिग है वो भाई भी इंटर में काम कर रहा है, तो ये चीज आप समझ लो कि कितना ओला उबर में अर्टिका का बिजनेस डाउन हो गया। मतलब आप लोगों को खुद को पता है कि इंटरव्यू में कितना पैसा मिलता है, 400-500 उसके ऊपर नहीं मिलता है, 600-700, तो उसमें भी लोगों ने अर्टिका अटैच किए, तो इसका मतलब ये होता है कि ओला उबर में बिजनेस अर्टिका के लिए तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, तो इसके लिए मैं बोला चलो आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूँ, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ शेयर करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मन हल्का होता है। शायद अभी वॉइस क्लियर नहीं होगी, बारिश भी बाहर चल रही है, रात के टाइम वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी गाइस, यूट्यूब पे भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, मतलब इतना काम कर, मतलब अभी मैं कितने ऐसे जो अपने भाई जो ओला उबर में काम करें, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। देखो यूट्यूब पे आपने कई सारे जो देखोगे बहुत अच्छे जल्दी, मतलब अगर अच्छा कंटेंट होगा ना तो अच्छा खासा आपका चैनल ग्रो करता है। देखो हर एक इंसान कोई भी काम करता है तो उसको वो फायदा ये सोचता है कि मैं इसके अंदर सक्सेस रहूँ, मैं इसके अंदर ग्रोथ करूँ, हर एक इंसान सोचता है। तो मैंने भी वही सोचा, या फिर और भी जो हमारे जो भाई है जो काम करें उन्होंने भी ये सोचा रहेगा कि यार चलो हम भी ये काम करते हैं। बट मेरा तो ये भाई अभी मौका है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ कंटेंट चेंज करो या कुछ टॉपिक अलग निकालो, तो शायद मतलब आज 3 साल से मैं लगभग 2020 से काम कर रहा हूँ, 2020, 2021, 2022, 2023 मतलब लगभग 3 साल पकड़ लो, 3 साल में अगर आपके 15,000 सब्सक्राइबर हो रहे तो समझ लो 1 लाख होने में कितना समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा टाइम वेस्ट हो रहा अपना। ठीक है, काफ़ी भाई बोलते हैं कि सचिन भाई डेली ब्लॉग क्यों नहीं करते, तो यूट्यूब पे काम करने का मुझे बहुत मतलब बहुत शौक है काम करने का यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब तो छोड़ूंगा नहीं, काम तो करूँगा, कुछ ना कुछ अलग कंटेंट लेके आऊँगा, लेकिन काम करूँगा, बट काम ऐसा करूँगा कि जिसपे मुझे लगे कि कहीं ना कहीं आने 1-1.5 साल के बाद में वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए और ये चैनल पे भी पता नहीं क्यों स्ट्राइक आ गया, अभी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, पता नहीं मतलब एकदम चैनल को एकदम बूस्ट ही खत्म कर दिया, मतलब समझो ऐसे चैनल पूरा डेड हो चुका है। बट चैनल को मैं वीडियो डालते रहूँगा, ओला उबर के रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा। देखो अभी इतने जो 15,000 सब्सक्राइब हुए, अब वो चैनल कब बढ़ेगा पता नहीं मुझे। हाँ ठीक है, मतलब अभी चैनल को छोड़ भी नहीं सकता, तो एक बोलते ना जब हम लोग काम करते थे उससे अटैचमेंट हो जाती, तो चैनल पे वीडियोस आएगी ओला उबर रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशन थे कि उसके ऊपर वीडियो आएगी, बट डेली वीडियो नहीं आएगी उसकी। मतलब बोलते ना जब अपना एक्सपीरियंस किसी को साथ में शेयर करेंगे तब पता चलेगा कि भाई आप इस फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो उस फील्ड में भाई कितना प्रॉफिट आके जाके, कितना आप उसके अंदर सफल हो सकते, कितना आप उसमें आपको फायदा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आर्टिका आप कभी भी मतलब लेने के बेले 10 बार सोचना, तो आज मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आर्टिका में काफ़ी मतलब बोलते ना इतना अगर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा तो ही ठीक है, नहीं तो भाई खतर समझ लो आपकी तो मतलब EMI भरने की बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 2 महीना भी डाउन है, अगले महीने से वापस बिजनेस स्टार्ट होगा, वापस कम कर लेंगे, लेकिन जो 2 महीने का गैप कवर करने के लिए वापस 4 महीने दिन रात मेहनत करना पड़ेगा,
समझ रहे हो, मतलब अभी दो महीना समझ लो जो मैंने बिजनेस नहीं किया, अब समझ लो अगर बिजनेस चालू होते हैं तो जहाँ पे मैं 12 घंटे काम करता हूँ वहाँ पे मुझे 18 से 20 घंटा काम करना पड़ेगा, और पूरे 4 महीने 18 से 20 घंटा काम करना इम्पॉसिबल। हम लोग सोचते हैं कि चलो ये महीने का अगले महीने कवर कर लेंगे तो ठीक है पॉसिबल है, लेकिन 2-2.5 महीने का अगर आप बोलोगे मैं आने वाले समय में कवर कर लूँगा तो इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो काम है ना काफ़ी हार्ड काम है, मतलब बोलते हैं ना टेंशन डिप्रेशन और मतलब हर चीज़ इसमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ छोटा सा अपडेट था गाइस, काफ़ी लोग ने मेरे जो भाई लोग हैं काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों के मैं वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी लोगों के वीडियो के नीचे मैं कमेंट भी करता हूँ। ठीक है, हर एक इंसान यहाँ पे ग्रोथ करने आए, और मेरा तो ये दिल से दुआ है कि हर एक इंसान अपना जो भाई काम करा चाहिए वो ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि मेहनत काफ़ी है गाड़ी चला के यूट्यूब पर काम करके। ठीक है, काम करना मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है, अब जैसे कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया, अब पता नहीं अभी और भी किस, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं अर्निंग रिलेटेड बैंक अकाउंट ये सब चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो ठीक है, अगर आप लोग काम करते भी ओला पे रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो ये चीज़ें डालना बंद कर दो, क्योंकि आज आपको पता है आज आप लोगों को लग रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर 2000 सब्सक्राइबर, बट जैसे चैनल बढ़ता हो जाएगा तो यूट्यूब की नज़र में वो चीज़ें आएगी और कहीं ना फिर वो यूट्यूब अपने चैनल को कॉपीराइट या जो भी वार्निंग स्ट्राइक वो सब आगे जाके देगी, तो फिर तब जाके डिमोटिवेट होने से अच्छा अब जाके सुधरो ताकि आने वाले समय में हमको तकलीफ ना हो। तो इसके लिए आज का ये वीडियो बना, काफ़ी भाई मेरे यूट्यूब पे काम कर रहे, काफ़ी भाई मेरे आज ओला उबर में काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं अपना एक माइंड सेट करो और आगे जाके काम करो। और आर्टिका की जो सच्चे भाई मैंने बता दिया, आर्टिका में मतलब समझ लो आपको इतना टेंशन होता है कि पूछो मत, होता है क्योंकि जब बड़ा हाथी लेते हो तो भाई उस हाथी को उतना खिलाना भी पड़ता है, उसके खर्चे भी उतने होते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जो चीज़ें बता रहा हूँ वो फैक्ट, मेरे साथ में जो चीज़ें हो रही वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी भाइयों के मुझे मैसेज है कि सचिन भाई मुझे गाड़ी चाहिए भाई, मतलब इतने लोगों के मुझे मैसेज है कि पूछ मत भाई, गाड़ी है मेरे पास जैसे आएगी मैं वैसे आप लोगों के, मैंने जितने मेरे वीडियो जो देखे जिन्होंने मुझे मैसेज किया सबके एड्रेस मुझे मेरे पास आ गए, अगर गाड़ी होगी तो वैसे से मैं देते जाऊँगा, काफ़ी लोगों से बात चलो, मतलब क्या हुआ पता है क्या, अभी मतलब गाड़ियाँ कम है और ड्राइवर्स ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को काम करना है, क्योंकि काफ़ी भाई जो हमारे परेशान है, तो जैसे जो होगा आप लोग अपना इंस्टाग्राम में मुझे एड्रेस डाल के रखना, अगर नियर बाय का गाड़ी होगा तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, तो गाइस काफ़ी लोग बोलते हैं कि सचिन अपने डेली ब्लॉग चैनल चालू करें, तो गाइस इसलिए मैं अभी जो मेरा सेकेंड चैनल है सचिन की वीडियो, तो उसके ऊपर कोई भी मतलब ओला वीडियो नहीं है, फैमिली ब्लॉग है, तो उसके ऊपर मैं अभी डेली ब्लॉग कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो जैसे कल भी मैंने मेरा वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम लोग की फैमिली रिलेटेड और डेली ब्लॉग मतलब सुबह मैं कहाँ पे जाऊँगा ये, उसके अंदर बस इतना कि अर्निंग रिलेटेड वीडियो नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि कल से मैं डेली ब्लॉग चालू करूँगा और जो भी डेली ब्लॉग रिलेटेड जितना भी मेरे से होगा उसके ऊपर मैं डालना चालू करूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सपोर्ट करना और आज ही के उसके ऊपर सब्सक्राइब करके उसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना, तो ज़्यादा डेली ब्लॉग अभी कैसे उसके अंदर आएगी, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो देखते हैं कुछ भी अपडेट रहेगा तो इस चैनल में कैसे अपडेट डालते रहना। तो गाइस बारिश भी काफ़ी हो रही है, आवाज़ शायद कम आता होगा, तो बस आज का वीडियो गाइस मैं इधर ही एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, तो गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जो हमारा जो सेकंड चैनल है सचिन के वीडियोस उस पर आपको अभी डेली ब्लॉग देखने मिलेंगे, तो भाई उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर सबसे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अभी लाने की कोशिश करूंगा और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। उस पर प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, चलो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं अपडेट अपने देते रहता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।